दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अब खत्म हो चुका है, जहां दूसरे दिन भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर काफी जबरदस्त दबाव बनाकर इस मैच में जबरदस्त वापसी कर ली है। जहां भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर 202 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, और जब साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पारी की शुरुआत दूसरे दिन करी तो लेकिन उनका पहला विकेट पहले दिन गिर गया था। लेकिन जब आज दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही थी, जहां उनके कप्तान डीन एल्गर और किगिन पीटरसन इस मैच में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, और इन दोनों बल्लेबाजों ने तो आज 74 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी 88 रन के स्कोर पर पहुंचने के बाद शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका देते हुए कप्तान एल्गर को आउट कर दिया, और एल्गर 28 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की झड़ी लगा दी। शार्दुल ठाकुर ने आज के मैच में काफी तगड़ा प्रदर्शन करा, और यही वजह थी कि आज के मैच में उनके आगे कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया। जहां इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार बैटिंग कर रहे किगिन पीटरसन को भी आउट कर दिया, और पीटरसन 62 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद साउथ अफ्रीका की आधी टीम 162 रन के स्कोर पर लुढ़क चुकी थी, जहां एक तरफ टेम्पा बबुमा इस मैच में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर इस मैच में काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, और यही वजह रही कि 177 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका देते हुए टेम्पा बबुमा को भी आउट कर दिया, और बबुमा 51 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, और यही वजह रही कि साउथ अफ्रीका की आज के दिन अच्छी शुरुआत होने के बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन के स्कोर पर लुढ़क गई। जहां इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके, तो वहीं मोहम्मद शमी को 2 विकेट हाथ लगी, वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 1 विकेट झटका। जहां साउथ अफ्रीका की टीम पर अपनी पहली पारी की 27 रनों की बढ़त बाकी थी। हालांकि जब इसके बाद भारतीय टीम अपनी सेकंड पारी की शुरुआत करने उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत ठीक तरीके से नहीं हो पाई थी, क्योंकि भारतीय टीम को पहला झटका ही 24 रन के स्कोर पर मार्को जैसन ने देते हुए कप्तान केएल राहुल को आउट कर दिया था, और राहुल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 44 रन के स्कोर पर पहुंचने के बाद ओलिवर ने भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका देते हुए मयंक अग्रवाल को भी आउट कर दिया, और अग्रवाल 23 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज 44 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। और वहीं इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 85 रन बना लिए हैं 2 विकेट खोकर। जहां चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर नॉट आउट हैं, तो वहीं रहाणे 11 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और इसी के साथ अब भारतीय टीम के पास 58 रनों की बढ़त हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।